नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं हाट पिपलिया की खबरों की ओर। नेमावर के दलित परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर उनको गड्ढे में दफना देने वाले हत्यारों के निर्माण कार्य एवं मकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर दिया है। मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, SP डॉक्टर शिवदयाल सिंह सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद है। जिन हत्यारों के मकानों को तोड़ा जा रहा है उसके चारों ओर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कोई भी परिंदा प्रशासन की कार्यवाही में दखल अंदाजी न कर सके। जिला कलेक्टर देवास चंद्रमौली शुक्ला ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि नेमावर का हत्याकांड हुआ था, उसके सारे अपराधियों की गिरफ्तारी कर कार्यवाही करने के बाद उन्हें चिन्हित किया जाए और उनकी जितनी भी संपत्ति अवैध है उनको तोड़ने की कार्यवाही की गई। इस प्रकार की कार्यवाही से निश्चित तौर से मैसेज जाएगा कि इस प्रकार के अपराध करने से आगे की कोई हिम्मत न कर सके। SP डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने कहा कि इस प्रकरण के सभी अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया है, सभी के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और उनकी संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी सभी साक्षियों को जुटाकर कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसी प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। नेमावर का भी हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर के सारे अपराधियों की गिरफ्तारी और उनके ऊपर कार्रवाई के पश्चात में उनकी सारी संपत्तियों को हमने चिन्हित किया और इन संपत्तियां जितनी भी अवैध हैं उस पर आज से हमने तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की है। सभी अपराधियों की संपत्तियों को चिन्हित कर दिया गया है और ये कार्रवाई लगातार हमारी जारी रहेगी। निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई से मैसेज भी जाएगा कि अगर कोई इस तरह का अपराध करने की हिम्मत करता है तो शासन प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई अन्य इस तरह की घटना करने की हिम्मत ना कर सके। देखिए, इस प्रकरण में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के पश्चात उन सभी के जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं वो मंगवाए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं। आपराधिक रिकॉर्ड्स की श्रेणी से उनको उनकी संपत्तियों की जानकारी भी ली है। यदि कहीं पर कोई अवैध निर्माण है, अवैध संपत्तियाँ हैं, उनको भी ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई आज चल रही है। इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी त्वरित रूप से सही साक्ष्यों का संकलन हो और जल्दी से जल्दी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसीलिए हमने इस अपराध को चिन्हित अपराधों की श्रेणी में क्लासिफाई किया है। आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई आरोपियों के विरुद्ध जारी रहेगी।